हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप ऑल आर यू वेल। आप अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों से चॉकलेट पुडिंग की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें पुडिंग मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, बट डोंट वरी, मैं उसके जगह पे आपको सब्स्टिट्यूट बता दूंगी। मैं उसके जगह पे आपको एक ऐसे सब्स्टिट्यूट बताने वाली हूँ, जब मुझे पुडिंग बनाना नहीं आता था तो मैंने उसके जगह पे जो सब्स्टिट्यूट यूज़ किया था, मैं वो आप लोगों को वीडियो में ज़रूर बता दूंगी। तो चलिए हम पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप कोई सा भी टिन ले सकते हो, मैंने ये ब्रेड टिन लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। घर पे अगर कोई टिफ़िन वगैरह जो आप गैस पे बेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने बहुत बार गैस पे बेक करना भी बताया है, तो बहुत इजीली आप उसे बेक कर सकते हो। और ये चॉकलेट की रेसिपी मैंने बहुत बार बनाई है, बहुत बार बताई है, और बेकरी स्टाइल स्पंज की रेसिपी भी मैंने बताई है, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। तो मैं आज चॉकलेट केक की रेसिपी नहीं बता रही हूँ। केक बनने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो अभी ये केक हमारा बहुत गर्म है, तो इसे ठंडा होने देते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे बिल्कुल अंदर तक कट नहीं लगाया है, ऊपर की जो लेयर है उसको कट किया है और हल्का सा ही अंदर से स्पंज निकाला है, ताकि हम उस पर अपनी फिलिंग भर सके। अच्छा, ये मेरी पुडिंग की रेसिपी है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी, बट इसकी जगह पे आप कोई भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, आप डेरी मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, बस उसे मेल्ट कर लीजिएगा और मेल्ट करने के बाद 2 स्पून मिल्क ऐड कर दीजिएगा, ये बिल्कुल बहुत अच्छी हो जाएगी। आप चाहो तो इसमें नट्स भी ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। आपको इसे फ्रिज में रखना पड़ेगा सेट होने के लिए, और सेट होने के बाद हम अपना रिजल्ट दिखाते हैं। अच्छा, जो मेरे स्पंज बच गए थे, मैंने उसको वेस्ट नहीं किया है, उसका भी हम कप में बना सकते हैं। मेरे पास ये डिस्पोजल कप्स है, कप है, आप कोई सा भी ले सकते हो, कॉफ़ी कप भी आते हैं वो भी ले सकते हो। मैं सारे स्पंज इसमें डालने वाली हूँ और अपना पुडिंग में डालने वाली हूँ, और इसको भी सेट होने के लिए फ्रिज में रखती हूँ फॉर 1/2 आवर। देखिए, ये लग रहा है ना बिल्कुल टेम्पटिंग, बहुत यम्मी डिश है, आप ज़रूर इसे बनाइएगा और बना के टेस्ट करके हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रही हमारी रेसिपी, होप आप लोगों को अच्छी लगे,
और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय।